इधर गुरुग्राम में आजाद सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा था वन नेशन वन सेलिब्रेशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव पहुंचे। इसके साथ ही गुरुग्राम में शहीदों के परिवार और सैनिक परिवार ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शिरकत की। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, तमाम स्कूली बच्चे छोटे बच्चे थे, कई डांस अकेडमीज के जो छात्र थे उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। नेशन में वो लोग रहते हैं। भारत माता की जय। आज आदरणीय दीदी अलका दीदी ने बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम किया है और उसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी और जो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए आज आप देख रहे होंगे जो पूरे देशों में अलग अलग देशों में युद्ध हो रहे हैं या कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, और एक हमारे देश में हम एक जो एक नारी शक्ति है जो एक मालिबू टाउन से जो शीतला माता की धरती से एक इतना अच्छा शहीदों के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने जगाया है जो एक जन चेतना और देश के राष्ट्रवाद को जगा रही हैं, तो उस चीज़ को करना और उसको जब उसको इम्प्लीमेंट करना सबके सामने ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं नारी शक्ति सर्वोपरि को बहुत सल्यूट करता हूँ। जय किसान हमारे देश का नारा है और आज की शाम जवानों के नाम, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जय जवान जय किसान नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और सही बात है, जहाँ किसान खुशहाल है और जवान अपना काम ठीक से कर रहा है तो वो देश हमेशा खुशहाली रहेगा। और एक शाम देश के जवानों के नाम, ये हमारा एक ट्रिब्यूट है अपने मार्टर्स को, एक हमारा सम्मान है अपने जवानों को जो दिन रात बिना ये देखे कि ठंड है गर्मी है माइनस में प्लस 50 डिग्री में भी खड़े होके जो हमारे लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम आज यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे जवानों का कितना त्याग और कितना बलिदान, उनके परिवारों का बलिदान है। उनको सम्मान देने के लिए हर साल हम कोशिश करते हैं कि 2 घंटे हम देश के लिए निकालें। शहीद BSF से थे तो BSF से हैं, लेकिन कभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाला, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने इसमें मंत्रालय कैबिनेट की मीटिंग में ये पास हुआ था कि शहीदों को इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शहीदों का दर्जा मिलेगा। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब मिलेगा, जब मिलेगा हम भी खुश होंगे, नहीं मिला है उसका हमें रोष है।